गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया लेजेंड स्पिरिट का। आप देख सकते हो मेरे पास काउबॉय राइफल है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा मिलेगा नहीं। मेड इन जर्मनी है गाइस, मेड इन जर्मनी, लुक एट दिस। ये जो है एक मास्टर पीस है, हमें इसकी प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसका फायरिंग वीडियो भी नहीं बनाया, बट चलिए एक फायरिंग वीडियो बना लेते हैं जो लोगों को इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने खरीद लिया है बट उन्हें चलाना नहीं आता है। सो आई एम गाइड यू, जब भी कोई गन खरीदें प्लीज 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 आप इसके मैनुअल को पढ़ लें। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ मेड इन जर्मनी काउबॉय राइफल। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, या फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर लेंगे गाइस, प्लीज कर लीजिए, है ना। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत से लोग मैनुअल जो नहीं पढ़ते हैं उनसे उनको दिक्कत आ जाती है। तो ये देखिए, ये इसका है, पूरे पार्ट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे इसको खोलना है। इसको खोलने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए इसके अंदर बताया गया है कि CO2 कैसे लोड करना है। पहले इसको ट्विस्ट करके खोलना है, इसके अंदर ही इनबिल्ड एलन की है, इनबिल्ड ही है, कैसे लोड करना है, पूरा मैकेनिज्म जो कैसे बाहर निकलेगा, CO2 जाएगा, पार्ट्स को लोड करना है, कसना कैसे, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर BBs कैसे लोड करना है वो भी दिया हुआ है, टारगेट कहाँ करना है वो भी दिया हुआ है, ये नंबर 6 कहते हैं इसे, लोड कैसे करना है वो भी दिया हुआ है, टारगेट के ऊपर निशाना कहाँ से लगेगा वो भी इसके अंदर बताया गया है। तो हम लोग इसको फायरिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे, इसके देखिए ऑफ ऑन सब कुछ है इसके अंदर बताया हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनुअल नहीं है, तो वेरी नाइस लेजेंड के द्वारा। चलिए ट्राई करते हैं इस गन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्यूटी है, बहुत ही अच्छी गन है, ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन, बट क्योंकि आज हम फायरिंग के मूड में हैं तो फायरिंग पे ध्यान देंगे। ये इसका ग्रिप, क्या करना है, इसे पुश करिए, घुमाइए, ये खुल जाएगा, दैट्स इट, इतना ही है। आप अंदर देखेंगे एक टैब है जहां पे CO2 लोड करते हैं, उसको आपको बताते हैं कैसे खुलने का। इसे अब बस आप यू घुमाइए, जस्ट लाइक दिस, और ये जो है पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, आप देखेंगे। ये पूरा का पूरा बाहर आ गया है। अब दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, आप इसके अंदर देख रहे हैं ये ओरिंग है, ये अंदर का सील है, बहुत सेंसिटिव है। ऐसे ही इसको गंदा मत करिएगा, इसको छेड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो गन खराब हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है एक CO2 का फ्रंट पार्ट अंदर जाएगा, एक बाहर आएगा, तो इसका ध्यान देना है, बिल्कुल भी उल्टा सुलटा मत करिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका ये है 12 ग्राम का CO2, तो एक CO2 जो है मैं अंदर की साइड डालूंगा, जस्ट लाइक दिस, इस होल में, दूसरा CO2 जो है मैं बाहर के साइड डालूंगा, जस्ट लाइक दिस, फिर इस पार्ट को मैं लूंगा, इसके अंदर मैं पुश करूंगा, जस्ट लाइक दिस, और फिर इसे मैं कस दूंगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली करना है, बड़े आराम से करना है, ज्यादा पुश पुल नहीं करना है। आप जब इसे घुमाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए CO2 पियर्स हो गया, मुझे जो है आवाज आ गया था, जैसे ही मुझे आवाज आया मैंने इसको चलाना जो है छोड़ दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते रहते हैं, उसको खराब, इससे जो है ये खराब हो जाएगा, सो डोंट डू इट गाइस, डोंट डू इट। अब चलिए मैं इसको लगा देता हूं, इस पार्ट को आप देख पा रहे हो, इसको अलाइन करना है दोनों के बराबर, और ऐसे जो है इसमें इंसर्ट आप कर दीजिए, पुश करेंगे, घुमा देंगे, ये लॉक हो जाएगा। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस पार्ट को, अगर इसके बीच में आपका अलाइनेशन नहीं बैठ रहा है तो इसको आप पुश करके घुमा सकते हैं। चलिए मैं इसको देख रहा हूं, यहां पे मैंने पुश कर दिया और लॉक कर दिया, ये लॉक हो जाएगा। अब इस पार्ट पे आप देखेंगे यहां पे ये मैकेनिज्म है, अगर मैं इसे पुल करता हूं आप देख सकते हो अंदर से CO2 बाहर निकल गया। अब आप चाहें तो इसको सेफ्टी पे कर देंगे तो ये चलेगा नहीं, इट इज लॉक्ड, हमेशा इसको लॉक करके रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें BB कैसे फिल करना है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। जनरली जितने भी सेल्स होते हैं आप देखते हो उसके अंदर हम सामने से सेल भरते हैं, बट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो है BBs हम पीछे से डालेंगे। जनरली जितनी भी BBs वाली गन होती है हम लोग जो है उसके अंदर BBs फ्रंट से डालते हैं, नॉट दिस वन, दिस इज वेरी डिफरेंट। ये इसका मैकेनिज्म जो है पैलेट जैसे बनाया गया है, सो आई एम गोना लोड इट जस्ट लाइक दिस, और ये स्टील BBs है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसके अंदर पैलेट डालने के लिए,
क्योंकि जो पैलेट्स की गन होती हैं उसमें पैलेट्स मेंशन होता है, इसके अंदर बीबीज मेंशन किया गया है, सो ऑलवेज की बीबीज इन दिस। और ये बहुत ही अच्छी इंपोर्टेड बीबीज से बना हुआ जो आप देख सकते हो। और एक और बात, इस गन के अंदर सेल्स बाहर उड़ते हैं, तो जहां भी आप फायरिंग करें मेक श्योर कि आपके पास सेल्स ना घूमे, क्योंकि एक बार ये सेल्स घूम जाएंगे तो ये दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं, इसका खास ध्यान रखना है। ये सेल आपके एक बार घूम गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, और एक बार घूम गए तो फिर आपको पता ही है। और इसके अंदर दो CO2 डलता है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पावर होगा इसके अंदर। एंड एक बार जब आपने लोड कर ले कितना मजा आने वाला है, जब मैं आपको फायरिंग करके दिखाऊंगा आप पागल हो जाओगे। नब नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू लोड सेल्स। बिल्कुल असली गन वाली फीलिंग आती है, जस्ट पुश इट एंड पुट इट इनसाइड। दूसरी लीजिए, जस्ट पुश इट, इट विल गो इनसाइड। बहुत ही मजा आता है, ऐसा लगता है कि मैं रियल फायर आर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं। दिस इज ब्यूटी गाइस। अगर आप गन के शौकीन हैं, दिस गन इज फॉर यू। एज अगर आप शौकीन नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर यू नो चीपर वन। ये जो है राइफल है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये जो है मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर आप दिवाली में कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो देन यू शुड गो फॉर दिस वन। ये सदियों तक आपके घर पे रहेगा, आप अगर इसको चलाओगे नहीं भी तो घर पे जो है सजा के रखिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए इसको हम लोग लोड कर देते हैं, यू कैन सी इट इज ऑल लोडेड। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा ये लोड कैसे होता है, इसका ये पार्ट जो है नीचे आता है जस्ट लाइक रियल गन, है ना, ऐसे। अभी क्योंकि ये लॉक्ड है तो हम इसका फायरिंग का खोलते हैं। नाउ सी, इसको हमने लोड किया एंड लॉक कर दिया। अंदर आपने देखा सेल है, सामने आप देख सकते हो मेरे पास टारगेट है, हम लोग उस पर फायर करेंगे और आप देखिएगा सेल्स कैसे बाहर उड़ते हैं। तो आई एम गोना होल्ड इट एंड वॉच। वाओ, दैट इज अमेजिंग, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। अब देखिए जैसे मैं इसको नीचे करता हूं, यू विल सी दैट सेल जो है बाहर आते हैं एंड इट इज लॉक्ड। नाउ वॉच, बहुत ही अच्छा, जितनी बार मैं इसको खींचता हूं सेल्स बाहर आते हैं एंड आई गेट द फीलिंग ऑफ अ रियल गन। वाओ, दैट इज द फन पार्ट, इसमें यही फन पार्ट है। बहुत ही ज्यादा, एंड आई कैन सी मैंने एक जो है 10 पे भी मारा है। बहुत ही फन, लुक एट द गाइस, लुक एट इट, लुक एट इट, कमाल है यार, कमाल है। ये गन मेरी फेवरेट बन गई है। जब सेल उड़ते हैं ना मुझे सिर्फ डर है कि सेल घूम ना जाए, बट दिस इज अमेजिंग। ओके, सो गन से खत्म हो गए हैं सेल्स, चलिए देखते हैं हमने क्या तबाही मचाई है। गाइस आप देख सकते हो कि एक राउंड बाहर गया, बाकी सारे मैंने ब्लैक में मारे हैं, और इतना ज्यादा मैं लाइटली ले रहा था, ध्यान से मैं फायर भी नहीं कर रहा था। एंड लुक एट द फायरिंग, माई गॉड, मैं तो 10 पे गए हैं 2, और एक और बार लोड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं सारे के सारे राउंड बीच में मारता हूं। डाल देता हूं, यू कैन सी, एंड लेट्स गो एंड लेट्स फायर। चलिए मैं फटाफट फायर करने वाला हूं, आई एम गोना मेक इट वेरी रैपिड फायर। वन, टू, थ्री, फोर, दैट वॉज अमेजिंग। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी में 2 राउंड्स मैंने बाहर मार दिए, बाकी आप देख सकते हो बाकी राउंड्स भी हैं, कितने सेंटर के पास गए, और आप देख रहे हो कितना रैपिडली मैं फायर कर रहा था, कितना रैपिडली फायर कर रहा था। स्टिल इट इज अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छा। सो दोस्तों यू कैन सी मैं इसके सेफ्टी को जो है खोल रहा हूं, और चलिए थोड़े और शॉट्स को फायर करते हैं।
ओके दैट वाज इट गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे राउंड बीच में मारे, ये इसको छोड़ के। बहुत अच्छी गन है, अगर इफ यू कैन अफोर्ड दिस गन, दिस गन इज फॉर यू। तो दोस्तों अगर आपको ये गन पसंद आई, आपको पता है क्या करना है, ऑर्डर इट ऑन आवर वेबसाइट एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आपको पता है हमारी वेबसाइट, वहां पे जाइए, वहां जाकर के ऑर्डर कर दीजिए। और बस इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल यू नीड टू प्रोवाइड इज योर आईडी प्रूफ। तो आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देकर के इसे परचेस कर सकते हैं। बी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री। अगर आपको दिवाली से पहले, दशहरा से पहले चाहिए तो अभी ऑर्डर करिए, टाइम मत लगाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी की ये गन है। आई थिंक ये मंडे से पहले सब सोल्ड आउट हो जाएंगी। सो ऑर्डर इट नाउ, गो एंड परचेस इट। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय गाइज़।